तो कैसे आप लोग लोग तब तो हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू इवेंट के बारे में एंड देखते हैं क्या न्यू इवेंट आया है। लास्ट दो वीक से तो इवेंट चेंज हो ही नहीं रहा है, वही इवेंट को थोड़ा बहुत चेंज करके वो लोग दे रहे हैं, लेकिन ये वीक चेंज होगा एंड देखते हैं ये वीक में क्या नया आया है। कुछ इंटरेस्टिंग आए तो बढ़िया है, वरना देखते हैं क्या आया क्या नहीं आया। तो सबसे पहले हम लोग जाके देख लेते हैं बोनस इवेंट में, तो बोनस इवेंट में तो पता चल ही जाएगा भाई कितना दिन का इवेंट है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 7 डेज का इवेंट मिल रहा है, मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा सही है, 7 डेज का इवेंट है एंड चेंज हो जाएगा। बट देखते हैं विप्स कितने सारे देते हैं ये लोग, एंड डेली साइन इन में तो नहीं दिखाऊंगा, वो सब सेम है। एंड यहाँ पर टैक्स एक्सपर्ट में ये वाला इवेंट मेरे को सबसे अच्छा लगता है, आप लोग को पता ही है। कैप्चर 5 पोकेमॉन्स ऑफ वाटर टाइप जिसका इंडिविजुअल वैल्यू 50 से ऊपर हो, तो वो अगर पकड़ोगे, अगर वाटर टाइप कोई सा भी पोकेमॉन वाटर टाइप बस उसका इंडिविजुअल वैल्यू 50 से ऊपर हो, बस वैसा 5 पोकेमॉन पकड़ना है, उसके बाद आपको ये रिवॉर्ड मिल जाएंगे एंड बाकी के रिवॉर्ड भी आप लोग दे सकते हो पढ़ सकते हो अपने से, तो इजी है। तो अगर आपको चाहिए तो ये सारे रिवॉर्ड आप लोग क्लेम कर सकते हो। एंड ये भाई यहाँ पर भाई टॉप अप वाला 300 डायमंड टॉप अप करोगे तो एक कॉफ़ी एंड एक नट्स मिलेगा भाई, लिटरली इतना कम, तो ये तो बेकार ही है। एंड बाकी के पॉपुलर इवेंट में जाके देख लेते हैं, यहाँ पर भाई अगर आप कोई सा भी टॉप अप करते हो तो आपको ये रैंडम रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। फर्स्ट वाला रो का आपको मिल जाएगा, कोई सा भी टॉप अप करते हो 30 डायमंड्स का भी टॉप अप करते हो तो आपको ये फर्स्ट वाला मिल जाएगा। एंड ये पूरा चाहिए तो 300 डायमंड्स का टॉप अप करना पड़ेगा, जिससे कि आपको ये सारे के सारे रिवॉर्ड मिल जाएंगे। एंड वाउचर पैक में जाके देख लेते हैं, यहाँ पर 600 डायमंड का टॉप अप करोगे तो आपको ये सारे वाउचर्स मिलेंगे, बट ये वर्थ ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बेकार है यार, क्या ही बोले। एंड बाकी के यहाँ पर वीकली टॉप अप में तो पूरा वीक में आप कितना टॉप अप करते हो उस हिसाब से आपको ये रिवॉर्ड मिल जाएगा, जो कि भाई बेकार ही है। एंड रिच रिवॉर्ड भी बेकार है, वही ये टॉप अप वाला रिवॉर्ड है। एंड फीडबैक में यही है, देखो यहाँ पर 5 बंदे ने फिर टॉप अप कर लिया है। एंड अगर आप टॉप अप करते हो, कुछ भी टॉप अप करते हो, 30 डायमंड्स का भी टॉप अप करते हो, तो अगर आपके सर्वर में पूरे सर्वर में 20 आदमियों ने मतलब 20 पीपल अगर रिचार्ज कर लेते तो आपको ये सारे के सारे रिवॉर्ड मिल जाएंगे। एंड अगर 10 पीपल करते तो ये वाला रिवॉर्ड मिलेगा, एंड ये वाला तो भाई ऐसे मिलेगा ही, तो ये सारे रिवॉर्ड मिल जाएंगे। बाकी के इसमें तो मूव एसेंशियल है, उतने बढ़िया नहीं है, बस यहाँ पर भाई ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड भाई रिफ़ल टिकट मिल रहा है, ऑब्वियसली रिफ़ल टिकट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, रिच रिवॉर्ड तो अच्छा ही नहीं। एंड भाई कार्निवल सिंगल टॉप अप ये भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगता यार, इसमें वर्दी कुछ मिलता ही नहीं है। एंड बाकी के फेस्टिवल इवेंट में जाके देख लेते हैं, तो सबसे पहले बीस्ट एक्सचेंज सी में देखते हैं इस बार। एंड यहाँ पर भाई फाइटर इन्फर्नेप आ चुका है, फाइटर इन्फर्नेप भी अच्छा पोकेमॉन है बट नॉट दैट ग्रेट पोकेमॉन, तो अगर आपको चाहिए होगा तो भाई ये मतलब देखने में बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मंकी किंग, तो मंकी किंग के जैसा है, तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप ये ले सकते हो, बाकी के मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा। एंड भाई ये वाला पोकेमॉन का नाम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मैं प्रोनाउंस नहीं करूँगा जो भी हो। एंड ये वाला पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इवन 2 स्टार में भी ये बहुत अच्छा है। एंड 2 स्टार के बाद अगर इसका कन्वर्जन आता है, इसे कन्वर्ट करके अगर आप यूज़ करते हो तो भाई तबाही पोकेमॉन है, तो आई डोंट नो कोई नया एंटाई फायर एंटाई बन जाता है ये कन्वर्ट के बाद। एंड बाय फायर एंटाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एंड तो ये वाला पोकेमॉन आप कंसिडर कर सकते हो। एंड मून शैडो जिराची बहुत लोग कह रहे थे, मैंने जब मून शैडो जिराची पकड़ा था तो मैंने बोला था कि भाई चाइनीज प्लेयर लोग पता नहीं से इतना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि हमको तो उतना सही यूज़ नहीं लगता है, एंड हमारे साथ पूरे गेम में मे भी कोई यूज़ भी नहीं करता इसे, बट सब लोग कह रहे थे भाई इसका एबिलिटी वगैरह, इसका डिफेंस वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसका काउंटर अटैक वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो मे भी भाई ये कन्वर्ट के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाए, अगर इसका कन्वर्जन आएगा तो उससे मैं 100% रिव्यू करूँगा। एंड बाकी के बी सेक्शन बी में जाके देख लेते हैं, यहाँ पर भाई साइमिन आ चुका है जो कि डिफेंसिव के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोकेमॉन है, बट यही है इसे कन्वर्ट करके ही यूज़ करना पड़ेगा। एंड सोलगैलियो आया है, सोलगैलियो उतना अच्छा नहीं है। एंड भाई लूनाला भी उतना अच्छा नहीं है, मुझे नहीं लगता यार, एंड बाकी के आपके ऊपर है। एंड भाई डीएनसी जो कि एक डिफेंसिव टाइप पोकेमॉन है, बट इसका कोई काम नहीं है अब, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छे अच्छे डिफेंसिव टाइप पोकेमॉन आ चुके हैं। एंड भाई बज होल तो आप लोग को बोलना ही नहीं पड़ेगा भाई, बज होल इज़ अ गेम चेंजर, मैंने इस बहुत सारे वीडियो में आप लोग देखे होंगे, बज होल एक गेम चेंजर है। एंड बाकी के यहाँ पर भाई जिनसेट भी बहुत ही लोग कह रहे थे अच्छा पोकेमॉन है,
अब आई डोंट नो, अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो भाई यूज़ इट इन योर ओन रिक्स, मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने अभी तक इसे यूज़ नहीं करा। बाकी के आप इसका टाइप चेंज कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा है भाई, इसका टाइप चेंज कर सकते हो। जैसे कि नल का, नल पोकेमॉन जो कि पोकेमॉन में था एनिमे में, तो उसका टाइप चेंज कर सकते थे, वैसे ही यहाँ पर भी आप टाइप चेंज कर सकते हो इसका। एंड नल पोकेमॉन का भाई फॉर द सम रीजन नहीं कर पाओगे, बट जो भी है। एंड लकी टेम्पलेट में जाकर देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है। एंड भाई फाइनली फेस्टिवल इवेंट में देख लेते हैं, यहाँ पर भाई डेली का 5, सीरियसली भाई डेली का सिर्फ और सिर्फ 5, मतलब वन वीक में आपको सिर्फ और सिर्फ 35 ही मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गया ये। एंड बाकी के यहाँ पर विक्टिनी का फ्लूट आ चुका भाई, जिसके पास विक्टिनी नहीं है ले लो यार विक्टिनी यहाँ से। एंड भाई डेंसी आ चुका, डेंसी तो आप वहाँ से भी ले सकते हो अगर लेना होगा तो। एंड बाकी के हुपा है यहाँ पर, हुपा भी बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है, बहुत लोग पूछते हैं हुपा कैसा है, भाई हुपा बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है यार। एंड भाई विक्टिनी का तो बात ही क्या करूँ, विक्टिनी बहुत ही अच्छा है, विक्टिनी को अगर लेना चाहो तो 100% ले सकते हो। एंड बाकी के बोनस इवेंट में जाकर देख लेते हैं कुछ नया पोकेमॉन आया है या नहीं, तो यहाँ पर तो सब कुछ सेम ही है। एंड नीचे नया पोकेमॉन नहीं दिख रहा मुझे। एंड डेली लक्की रिवॉर्ड में वही है, अगर आप टॉप अप करते हो ना, अगर आप लक्की होते हो तो आपको ये रिवॉर्ड मिल जाएगा, बाकी के ऑल डिपेंड्स ऑन लक। एंड वीप सेक्शन में ये क्या आया भाई, अरे भाई क्यूरियम आया, तो क्यूरियम तो अगर फाइनल फॉर्म में देखते हैं ये आइस तक जाता है, तो भाई ये मे बी डिफेंसिव टाइप पोकेमॉन है। पहले इसका स्टैट देख लेते हैं भाई, 200 अटैक है, स्पीड कम है लेकिन अटैक एंड डिफेंस ठीक है भाई, एंड स्पेशल डिफेंस ज़्यादा अच्छा है। एंड बाकी के इसका एबिलिटी देख लेते हैं, तो भाई इसका एबिलिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यार। मतलब सबसे पहले तो आइस और ड्रैगन टाइप को 30% जो बढ़ा रहा है, एंड जब एंड द डैमेज फ्रॉम पी अटैक, अच्छा अगर डैमेज लेगा पी अटैक से तो भाई वो 30% ऐसे ही घट जाएगा। एंड उसके बाद आइस विंड अगर आता है स्टेट तो भाई आगे वाले का और 20% स्पीड भी कम हो जाएगा, एंड भाई अपना पी अटैक 10% बढ़ जाएगा। एंड भाई डैमेज मतलब कि डिफेंस आपका, फिजिकल डिफेंस आपका 50% से बढ़ा देगा, एंड आगे वाले का स्पीड भी जो है वो 20% से घटा देगा। भाई बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। एंड बाकी के ये हैवीली हेल, ये वाला ये वाला अगर अटैक यूज़ करते हो तो हैवी हेल 5 राउंड के लिए लगा देगा। एंड ये भाई आइस विंड स्टेट, जो कि आइस विंड स्टेट से आपको पता ही है अभी मैंने बताया कि अपना 10% अटैक बढ़ जाएगा एंड आगे वाले का स्पीड घट जाएगा, तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड इसका गियर भी देख लेते हैं, तो गियर क्या काम करता है भाई, गियर में तो देखो फर्स्ट लेवल में उतना ज़्यादा काम नहीं करता है। क्यूरियम इज अटैक बाय द ओपोनेंट फास्टर देन इट द डैमेज ऑफ पी अटैक, भाई अगर ना क्यूरियम को अगर कोई अटैक करता है पहले अटैक करने वाला, मतलब आगे वाला ओपोनेंट अगर फास्ट है तो भाई इसका पी अटैक और 20% रिड्यूस हो जाता है। एंड टू स्टार में क्या है, टू स्टार का इफेक्ट ये है कि अगर आइस विंड स्टेट है तो भाई ये 25% और डिफेंस बढ़ा देता है, भाई क्या ही बोले, ये डिफेंस तो मतलब नेक्स्ट लेवल बढ़ रहा है। एंड उसके बाद थ्री स्टार में क्या होता है, अगर ये एबनॉर्मल स्टेट में है तो भाई इसका +1 होते रहेगा, तो भाई मुझे तो सही लगा ये पोकेमॉन भाई साहब, मतलब सही है यार, पर देखते कितना महंगा है। तो 120 एंड इसका कन्वर्जन 120, भाई ठीक ही लगा मुझे ये पोकेमॉन, बट फिर भी मैं नहीं लूँगा ऑब्वियसली यार, मैं नहीं लूँगा। एंड ये भाई मेडिकेन कन्वर्जन, योगेल कन्वर्जन, अच्छा ये भी है, ये वाला पोकेमॉन अभी बहुत ही लोग ले रहे थे, आई डोंट नो क्या है। बाकी के अगर आप इसे, अगर आपके पास वाउचर है तो आप इसे वो कर सकते, कंसिडर कर सकते, बहुत ही अच्छा है। एंड बाकी के एवकन स्टोन भी आ चुका है। एंड भाई यहाँ पर डायरेक्ट परचेज में आप लोग जा करके यहाँ से 20 डायमंड्स ले सकते हो, जो कि आपको 100% लेना चाहिए एवरी डे। एंड उसके बाद अब चलते हैं टेम्पलेट में, एंड टेम्पलेट में क्या आया है, टेम्पलेट में हाई क्लास प्लेट, लो क्लास प्लेट, आर्स एनर्जी वगैरह आया, जो कि उतना सही नहीं लगता। एंड बाकी के लास्टली यहाँ पर सेलिब्रेशन इवेंट आया है, ये कुछ नया है, तो देखते हैं क्या आया भाई। सेलिब्रेशन इवेंट तो आया बट
विदाउट टॉप अप के लिए आया है नहीं तो भाई अच्छा तो लग रहा है ये क्या, ओ भाई ये चूज करने के लिए बोल रहा है, इसमें क्या है, एन से एन एम एल के, ओ भाई ये सब में आई गेस ओ है यहाँ पर एंड क्यू है, अरे भाई साहब क्यों भी है, बट आई डोंट थिंक सो ये हमारे लिए, इसे करने के लिए देखो डायरेक्ट परचेज और डायमंड एक्सचेंज, भाई लिटरली 800 डायमंड्स का एक ये मिलेगा एंड एक इससे अगर आप ये करते हो आई डोंट नो क्या होगा, एंड यहाँ पर भी चूज लिख रहा है तो यहाँ पर आर रूइन पी और आर रूइन, भाई ये सब थोड़े अच्छे लगे नेक्स्ट लेयर बट आई डोंट नो इसे कैसे यूज़ करते हैं, अगर आप लोग समझ में आए तो मुझे बता देना, बाकी के मुझे उतना समझ में नहीं आया ये, तो अगर आपको समझ में आया हमको तो मुझे बस इतना ही लग रहा है कि ये डायमंड से परचेस करो या फिर डायरेक्ट टॉप अप करो तो आपको यहाँ से स्टार्ट करने को मिलेगा एंड ये रैंडम रिवॉर्ड मिल जाएंगे, बस मुझे इतना ही लग रहा है, बाकी के अगर आप लोगों को पता चले तो आप लोग बता देना। एंड सुप्रीम टोकन में जाकर देख लेते हैं, न्यू सीजन वही है भाई, वही चल रहा है जो आया था वही चल रहा है ये भी, तो और यहाँ पर कुछ नहीं है। एंड बाकी के आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और तो कुछ नया इवेंट में नहीं आया है तो आज की वीडियो गाइज यहीं पर ख़त्म करते हैं, होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।